दोस्तों, अगर आपसे किसी क्रिएचर के बारे में पूछा जाए तो आपको ऐसे कई एनिमल्स के नाम और उनके पिक्चर्स याद आ जाएंगे जिसे आपने कभी ना कभी जरूर देखा होगा। लेकिन अगर आपसे ये पूछा जाए कि क्या आपने ऐसे एनिमल्स को देखा है जो इनविजिबल होते हैं, तो ये सुनकर आपको जोर का झटका जरूर लगेगा। आप ये सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि भला ऐसा भी कोई एनिमल होता है क्या। तो हमारे आज के इस वीडियो में हम आपको 12 ऐसे ही एनिमल्स के बारे में बताएंगे। साथ ही हम आपको ये भी बताएंगे कि ऐसे एनिमल्स कहाँ पाए जाते हैं और अपना सर्वाइवल कैसे करते हैं। तो हमारे इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहे, क्योंकि आज हम आपको एक ऐसी दुनिया में लेकर चलेंगे जहाँ कई ऐसे एनिमल्स पाए जाते हैं जो होते तो है लेकिन दिखाई नहीं देते। नंबर 12, लीफ इंसेक्ट। दोस्तों, जरा गौर से देखिए इस क्लिप को। इसे देखकर आपको लग रहा होगा कि ऐसा कैसे संभव है, भला कोई पत्ता भी कभी डांस कर सकता है क्या। तो हम आपको बता दे कि ना तो ये कोई पत्ता है और ना ही ये डांस कर रहा है, बल्कि ये पत्ते जैसा दिखने वाला एक क्रिएचर है जिसे हम लीफ इंसेक्ट के नाम से जानते हैं। असल में ये क्रिएचर जंगल में रहने वाले कई एनिमल्स और बर्ड्स का पसंदीदा भोजन होता है, इसलिए लीफ इंसेक्ट को अपनी जान बचाने के लिए इस तरह का पैंतरा आजमाना पड़ता है। अपनी जान पर जरा भी खतरा महसूस करते ही ये क्रिएचर बिल्कुल फ्रीज हो जाते हैं, जिससे कि कोई इन्हें देख ना पाए। अब बात करें इनके खाने पीने की, तो ये पेड़ों पर आने वाले फलों को खाकर ही अपना गुजारा करते हैं। और बात करें इनके बसेरे की, तो ये अपना पूरा जीवन पेड़ों पर ही गुजार देते हैं। नंबर 11, ईस्टर्न स्क्रीच आउल। अब जरा इस क्लिप को भी देख लीजिए। इसे देखकर आप जरूर चौंक गए होंगे कि भला ऐसा आंखों वाला भी कोई पेड़ होता है क्या। तो जरा एक मिनट ठहरिए, ये कोई आंखों वाला पेड़ नहीं, बल्कि इस पेड़ पर बैठा एक आउल है जिनका नाम ईस्टर्न स्क्रीच आउल है। और इसकी खासियत यह है कि जब ये किसी सूखे पेड़ पर बैठता है तो खुद को पेड़ में इस कदर छुपा लेता है कि दूर से सिर्फ इसकी आंखें ही नजर आती है। और अगर कहीं इसने अपनी आंखें बंद कर ली तो ये पूरी तरह से पेड़ में ही मिक्स हो जाता है। इस हालत में किसी के लिए भी ये बता पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है कि ये सिर्फ पेड़ है या पेड़ पर कोई आउल भी बैठा है। अब बात करें इसके रहने की, तो सूखा हुआ पेड़ इसका पसंदीदा बसेरा होता है, क्योंकि सूखे पेड़ में ये खुद को आसानी से छुपा लेता है। नंबर 10, द बफ टिप मॉथ। अब इस क्लिप को देखकर आप सोच रहे होंगे कि ये कोई लकड़ी का टुकड़ा है, तो ऐसा सोचकर आप गलती करने जा रहे हैं, क्योंकि ये कोई मामूली लकड़ी का टुकड़ा नहीं है, बल्कि ये द बफ टिप मॉथ नामक एक क्रिएचर है। और ये दुनिया के सबसे ज्यादा इनविजिबल क्रिएचर्स में से एक है। यही कारण है कि इस पर जल्दी किसी इंसान की नजर ही नहीं पड़ती। द बफ टिप मॉथ ज्यादातर जंगलों और गार्डन में ही पाए जाते हैं, और ये जून जुलाई के महीनों में ज्यादातर दिखाई देते हैं। अब बात करें इनके रहने की, तो द बफ टिप मॉथ ज्यादातर पेड़ों के अंदर छुपकर रहना ही पसंद करते हैं। नंबर 9, बिगमी सी हॉर्स। दोस्तों, आमतौर पर समुद्र में जितने भी छोटे क्रिएचर्स होते हैं, इनका सर्वाइवल काफी मुश्किल होता है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि कोई भी बड़ा समुद्री एनिमल इनको बड़ी ही आसानी से अपना शिकार बना सकता है। पिग्मी सी हॉर्स भी एक बहुत ही छोटा समुद्री क्रिएचर है, जिसका आकार करीब 2 सेंटीमीटर तक होता है। लेकिन पिग्मी सी हॉर्स की सबसे बड़ी खासियत होती है कि ये जरूरत के हिसाब से अपना कलर बदलने में माहिर होते हैं, जिससे इंसान तो दूर कोई जानवर भी इनको आसानी से नहीं देख पाता। पिग्मी सी हॉर्स आमतौर पर जापान, इंडोनेशिया और नॉर्थ ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। नंबर 8, लेप्टोसेफलस। शीशे के आकार का दिखने वाला ये क्रिएचर लेप्टोसेफलस नाम से जाना जाता है। ये एक ऐसा समुद्री क्रिएचर है जो खुद को छुपाने में सबसे अधिक माहिर होता है। जब ये अंडों से बाहर निकलते हैं, तो इनका शरीर पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है, जिसकी वजह से दूसरे समुद्री एनिमल्स इन्हें आसानी से देख नहीं पाते। और ऐसी हालत में ये दूसरे समुद्री एनिमल्स के जानलेवा हमलों से खुद को आसानी से बचा लेते हैं। लेप्टोसेफलस अंडों से निकलने के बाद 3 महीनों तक ऐसे ही इनविजिबल रूप में रहते हैं, और जब इन्हें ये एहसास हो जाता है कि अब अपनी हिफाजत ये खुद कर सकते हैं, तो ये अपने असली रूप में आ जाते हैं।
अपनी बॉडी को अपने हिसाब से बदलने का ये हुनर इन्हें नेचुरल रूप से मिलता है, जिसका बखूबी इस्तेमाल कर ये क्रिएचर काफी लंबे समय तक जीवित रहते हैं। नंबर 7, ओक लीफ बटरफ्लाई। दोस्तों, जब आप किसी पार्क में घूमने जाते हैं तो अपने आसपास कई तरह की कलरफुल बटरफ्लाईज को उड़ते हुए देखते होंगे, लेकिन इस क्लिप को देखने के बाद अगर आपसे कोई ये पूछे कि ये क्या है, तो आपका एक ही जवाब होगा कि ये एक पत्ता है। मगर ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि ये कोई पत्ता नहीं बल्कि एक बटरफ्लाई है, जिसका नाम ओक लीफ बटरफ्लाई है, जो आम तौर पर देखने में तो एक सूखा हुआ पत्ता ही लगता है, लेकिन ये तितली अंदर से ये बहुत ही कलरफुल होती है। जंगलों में इनको ढूंढना काफी मुश्किल भरा काम होता है। ओक लीफ बटरफ्लाई आमतौर पर नेपाल, भूटान, थाईलैंड और वियतनाम में पाई जाती है। नंबर 6, ग्रे ट्री फ्रॉग। ये फ्रॉग की एक ऐसी प्रजाति है जो आमतौर पर पेड़ों पर रहना पसंद करती है। ग्रे ट्री फ्रॉग अपनी बॉडी के कलर को बदलने में काफी एक्सपर्ट होता है। अपनी जान पर खतरा महसूस होते ही ये अपने रंग को बदलकर ट्री के कलर जैसा बना लेता है, जिससे कोई इसे देख नहीं पाता। ये आमतौर पर अमेरिका और साउथ ईस्टर्न कनाडा में पाए जाते हैं। इनका कलर व्हाइट, ग्रे और ब्राउन भी होता है, और इसका साइज करीब 2 इंच तक होता है। नंबर 5, मॉसी फ्रॉग। अब हम बात करते हैं मॉसी फ्रॉग के बारे में, लेकिन इससे पहले जरा इन प्लांट्स को देख लीजिए। इसे मॉसी प्लांट के नाम से जाना जाता है, और ये प्लांट पानी वाली जगहों पर देखने को मिलता है। मॉसी फ्रॉग को ये नाम इसी प्लांट की वजह से मिला है, क्योंकि ये क्रिएचर इस तरह के प्लांट्स में खुद को आसानी से छुपा लेते हैं। अगर आपका सामना भी कभी मॉसी फ्रॉग से हो जाए, तो यकीन मानिए आपके लिए भी ये पहचानना काफी मुश्किल हो जाएगा कि ये कोई फ्रॉग है या किसी प्लांट का टुकड़ा। हम आपको बता दें कि ये मॉसी फ्रॉग नामक क्रिएचर ही है जो खुद को मॉसी प्लांट और बाकी कई तरह के जंगली प्लांट्स के बीच खुद को इस कदर छुपा लेता है कि इंसान के लिए फ्रॉग और प्लांट में अंतर कर पाना काफी मुश्किल हो जाता है। मॉसी फ्रॉग का आकार करीब 5 से 6 सेंटीमीटर तक होता है, और ये ज्यादातर वियतनाम में पाए जाते हैं। नंबर 4, पिंक विंच्ड स्टिक। दोस्तों, इस धरती पर बहुत सारे ऐसे क्रिएचर्स हैं जिनकी बॉडी का कलर पेड़ के पत्तों और शाखों की तरह होता है। पिंक विंड स्टिक भी ऐसा ही एक क्रिएचर है, और इसकी खासियत यह है कि ये किसी भी जगह पर इनविजिबल हो सकता है। इसके साथ ही इसमें एक और खासियत होती है कि जब इसे अपनी जान पर खतरा महसूस होता है, तो ये कुछ इस कदर एक्टिंग करने लगते हैं मानो ये मर गए हो। ये अपनी हरकत बिल्कुल ही बंद कर देता है और एक मरे हुए क्रिएचर की तरह चुपचाप पड़ा रहता है। पिंक विंड स्टिक ज्यादातर साउथ चाइना, ऑस्ट्रेलिया और मेडागास्कर में पाया जाता है। नंबर 3, लीफ टेल्ड गेको। अब जरा इस लीफ टेल्ड गेको को ही देख लीजिए। इसके पास खुद को किसी की नजर से बचाने का गजब का हुनर है। ये किसी पेड़ पर इस कदर विराजमान होती है कि बड़े से बड़ा एक्सपर्ट भी इसको पहचानने में धोखा खा जाता है। लोगों को ये तय कर पाना मुश्किल हो जाता है कि पेड़ पर लटका ये कोई सूखा पत्ता है या कोई क्रिएचर पेड़ पर आसन जमाए बैठा है। ये अजीब सी दिखने वाली लिजर्ड मेडागास्कर आइलैंड पर पाई जाती है। इतना ही नहीं, ये लिजर्ड के पास माहौल के हिसाब से अपनी बॉडी के रंग को बदलने की काबिलियत भी होती है। अब बात करें इसके खाने की, तो छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को खाकर ही ये अपना गुजारा करती है। नंबर 2, ऑक्टोपाई। अब जरा इस क्रिएचर को भी देख लीजिए। इसका नाम ऑक्टोपाई है, जिसे समुद्री एनिमल्स में बहुत ही खतरनाक क्रिएचर की उपाधि हासिल है। ऑक्टोपाई ऑक्टोपस की एक ऐसी प्रजाति है जो पूरी दुनिया में सबसे अलग है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये ऑक्टोपस इनविजिबल कैसे हो सकता है, तो आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इस क्रिएचर के पास भी माहौल के हिसाब से अपना रंग बदलने की कमाल की क्षमता होती है, जो इसे नेचुरल रूप से प्राप्त होती है। यूं तो ऑक्टोपस गहरे भूरे रंग का ही होता है, लेकिन अपने ऊपर किसी भी तरह के खतरे को भांपते ही ये उस जगह के हिसाब से अपना रंग बदल लेता है जहां वो मौजूद होता है। नंबर 1, विलो ptarmigan। दोस्तों, इस धरती पर कई तरह की बर्ड्स पाई जाती है, लेकिन विलो ptarmigan नामक ये बर्ड बाकी बर्ड से काफी अलग, यूनिक और बेहद ही खूबसूरत होती है।
इनका कलर प्योर व्हाइट होता है, जिसकी वजह से सर्दियों के मौसम में इस बर्ड को देख पाना बहुत ही मुश्किल होता है। इसकी बॉडी का कलर इतना व्हाइट होता है कि बर्फ में बैठने के बाद ये बिल्कुल नजर नहीं आती और पूरी तरह से इनविजिबल हो जाती है। विलो टामिगन खास तौर से अलास्का और नॉर्थ अमेरिका में पाई जाती है। इसका साइज करीब 1 फीट का होता है और इसका वजन 0.5 किलोग्राम से थोड़ा ही ज्यादा होता है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपकी लाइफ में आपका सामना भी कभी ऐसे इनविजिबल एनिमल्स के साथ हुआ हो तो हमें जरूर बताएं। अगर हमारी आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, ताकि हम आपके लिए इसी तरह के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस ला सके। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर दें और बेल आइकन को भी दबाना ना भूलें, ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियोस की जानकारी आप तक तुरंत पहुंच सके।